So this is the topic of ionic bonds. Firstly, we will discuss that why do metals and non-metals they combine. So ye aap 9th se bhi padhte aa rahe ho that the cause of the combination is to attain the stability. ठीक है, कोई चीजें कंबाइन क्यों करती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दे कंबाइन टू अटेन स्टेबिलिटी. राइट, एंड दिस इज द कॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन. Okay, so why the substances they combine in order to attain the stability? From your lower classes, you are studying that the metals, they are actually electropositive in nature. That means वो इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं they are electronegative in nature. That means वो accept करके क्या करना चाहते हैं, stability attain करना चाहते हैं. Okay. So, अगर मेटल्स जो हैं वो दे रहे हैं, दैट मीन्स दे आर हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ नॉन मेटल्स दे आर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दिस इज द कॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन कि एक दे रहा है और एक ले रहा है. ठीक है, जो देगा वो देने के बाद स्टेबल हो जाएगा और जो लेगा, नॉन मेटल्स जो है वो लेंगे तो वो लेने के बाद क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे. ओके, सो वॉट दे आर डूइंग एक्चुअली, दे आर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट. To have eight electrons in their valence shell, and this is the main thing that each and every metals, non-metals, or every element want to attain the stable noble gas configurations. Okay, noble gases जो हैं वो stable क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो electronic configuration है वो stable है, और इसीलिए वो किसी के साथ combine नहीं होते. Okay, जो चीज already stable है वो किसी के साथ combine नहीं होगी. अगर वो combine करेगी तो वो unstable हो जाएगी. And all these elements they tend to acquire stability of noble gas configuration. Nearest noble gas configuration की ये क्या करते हैं, stability acquire करते हैं. Now the very first example of the ionic bond. अब ionic bond का मतलब क्या है, how this bond is formed actually. अब जैसे मैंने आपको बताया metals के case में है ये bond form होता है where there is complete transference of electrons. Complete transfer हो रहे हैं ना electrons. हाँ जी, metal से जो electrons है वो completely transfer होके किसके पास जा रहे हैं, non metals के पास. So it is the complete transference of electron between the टू एटम्स, जिसमें से एक मेटल है और एक जो है वो क्या है आपका, नॉन मेटल. ओके, सो कौन सी फोर्सेस जो है इनके बीच में ऑपरेट होती हैं, दे आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ठीक है, दे आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो चार्ज चीजों के बीच में जो फोर्सेस ऑपरेट होती हैं, दे आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. व्हेन वी आर हैविंग द कैटायन एंड द एनायन, राइट. If we take the example of NaCl, sodium की configuration लिखेंगे सबसे पहले. What is the configuration of sodium? 2, 8, 1. ठीक है, Lewis structures हैं ये, आप 9th में पढ़ के आए हो. हम जो last valence shell electrons हैं वो represent करेंगे. This is a metal. इसने इलेक्ट्रॉन देने हैं. फिर द सेकंड इज नॉन मेटल, दैट इज क्लोरीन. थोड़ी सी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की फॉर्म में शो कर देते हैं. इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं तो दैट इज 2, 8, 7, 17 है. ओके, तो 7 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 ये. ओके, एंड दिस इज आर नॉन मेटल. Now since I told you that there is a complete transference of electrons, so this electron it will completely shift to chlorine side. Okay, so what will be formed? जो N है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. ओके, एंड जो क्लोरीन है क्योंकि इसके पास हमने वो जो इलेक्ट्रॉन गया है वो शो करना है, सो दैट मीन्स
इट इज गेनिंग द नेगेटिव चार्ज. ओके, सो इन दिस वे द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द सोडियम एंड द क्लोरीन. NaCl इकट्ठे क्यों रह रहे हैं? हाँ, तो बीच में उनके फोर्सेस ऑपरेट हो रही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो, कि नहीं? अगर आप उनको तोड़ोगे, देखो आपके पास एक आयनिक बॉन्ड है, जब आप उसको तोड़ोगे उसको तोड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर एट एवरी पॉइंट. ठीक है, प्लस NaCl का जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं. थ्री डायमेंशनल नेटवर्क का मतलब क्या है कि ये नॉर्मल एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. दे डोंट एग्जिस्ट लाइक NaCl. ये एक पूरा नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जहां पर हर एक कॉर्नर पे ऐसे ही जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रिपीट होंगे. ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे सारे स्ट्रक्चर्स रिपीट होते हैं. दिस इज द वन सिंगल स्ट्रक्चर दैट आई हैव ड्रॉन. ओके, यहाँ पर कॉर्नर्स पे आपके एन ए होते हैं और दूसरी साइड पे एडजस्टेंट जो है वो आपके यहाँ पर क्लोरीन आते हैं. तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है, इसको आप मल्टीपल टाइम्स जब ड्रॉ करोगे तो वो एक पूरा लैटिस अरेंजमेंट आता है, पूरा लैटिस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है. इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल, एक सिंगल NaCl स्ट्रक्चर नहीं है. देयर इज नॉट सिंगल सोडियम एंड सिंगल क्लोरीन. ठीक है, हर एक फेज पे एट एट मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं हर एक फेज पे क्यूब के. ठीक है, यानी कि एक सोडियम को आगे बहुत सारे क्लोरीन जो है वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी स्टेबल. क्लियर हो गया ये? नाउ वो ब्रेकेज की हाइड्रेशन एनर्जी है, दैट इज द हाइड्रेशन एनर्जी दैट व्हेन यू पुट एनीथिंग इन द वाटर. ठीक है, अब होता क्या है, वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, H2O है. ठीक है, तो वो सोडियम के साथ, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ जो है वो OH नेगेटिव आयन जो है वो सराउंड कर जाते हैं, और दूसरी तरफ क्लोरीन है उसके आसपास H पॉजिटिव आयन जो है वो सराउंड कर जाते हैं. ओके, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस ड्यू टू द हाइड्रेशन एनर्जी. पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंड कर जाते हैं, एंड अगेन वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ गई हैं, तो अगेन वो थिंग स्टेबल हो जाती है और वो इजीली जो है वो पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द रीजन. हाँ, एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव चार्ज में पोलर है ना, वाटर भी तो पोलर है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में स्प्लिट कर जाएगा. ठीक है जी, हाँ जी, एनीथिंग एल्स? क्लियर है? नाउ फॉर्म द स्ट्रक्चर फॉर AlCl3. एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ. एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो. AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड. हाँ जी, डाल भूमिका, इसमें हमने कुछ नहीं किया बेटा, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, 1 इसका है और 7 इसके लिखे हैं. अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो सोडियम दे रहा है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. हाँ जी समर्थ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड. ये मैंने बतानी है, 283. क्या हो गया? वेरी गुड. चलो, कौन बनाएगा? हु विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड? कार्तिक बनाइए बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर.
बनाओ बेटा, दिल पे बाहर आओ। फिर कहाँ बनाना है स्ट्रक्चर? माधव आओ, स्ट्रक्चर बनाओ। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 13 नंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन 283। क्लोरीन की 287। शो नहीं करना स्टेबल, तो ए हो रहा है, ये स्टेबल रहेगा। क्यों ये क्यों अनस्टेबल रहेगा? 28 है, 8 और 2 10 हो तो गए, तीन नीला जा रहे हैं। तो तीन क्लोरीन तो बनाओ, आपने एक ही क्लोरीन बनाया हुआ। वेरी गुड, ठीक है जी। तो एल्यूमिनियम इज हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं और हमने 3 क्लोरीन बनाए हैं और इन सबके पास 7-7 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस क्लोरीन, सेकेंड एंड थर्ड। तो Al3 पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हुए हैं और 3 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, सो 3 बाहर लिखा है और इंडिविजुअल क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज है। ओके, MCQs में आपको पूछ सकते हैं कि एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी है और कितने क्लोरीन के साथ ये अटैच होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखो, फॉर्म द स्ट्रक्चर फॉर पोटेशियम ऑक्साइड, फॉर्म द आयनिक बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर पोटेशियम ऑक्साइड, फॉर्म द आयनिक स्ट्रक्चर फॉर पोटेशियम ऑक्साइड। एक जो तो आ जाओ बाहर, बाहर आओ, बाहर आओ। पोटेशियम ऑक्साइड ऐसे भी हो सकता है, लिख तो सही, ड्रॉ तो कर। पोटेशियम आओ, आ तो सही, पता नहीं बोर्ड पे क्या है आपको। हाँ जी, who will make the diagram? केशव बेटा, पेपर्स मैंने देने हैं। पोटेशियम ऑक्साइड, अखिलेश आओ बाहर, अखिलेश बाहर आओ। पता नहीं मुझे, आपको इतना ही नहीं पता अभी पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अखिलेश कम आउट, जल्दी आओ, बाहर आओ बेटा, मैं बताऊंगी, आजा बाहर, आई टेल यू। रब करो पहले, हाँ ये सारा रब करो। पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन 19 नंबर है, 19 नंबर की कॉन्फ़िगरेशन लिखो।
ऊपर पोटेशियम का सिंबल, आगे ऑक्सीजन का लिखो, ऑक्साइड का है तो एक ऑक्साइड भी लिखो। हाँ ऑक्सीजन ही, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अखिलेश ऑक्सीजन का नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, 8 को स्प्लिट करो 2.6। ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट है, पोटेशियम उसको कितने देगा, यानी कि हम और क्या ऐड करेंगे, एक पोटेशियम एक और ऐड करेंगे, एक मॉलिक्यूल एक एटम पोटेशियम का और ऐड करो नीचे। हाँ दोबारा बनाओ के वाला सारा स्ट्रक्चर। एक वन और, इसका वन इलेक्ट्रॉन बनाओ, इसका भी वन इलेक्ट्रॉन बनाओ, वेरी गुड। अखिलेश अब करो ट्रांसफर, ट्रांसफर करो इलेक्ट्रॉन, इसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कौन कौन देगा, एक ये देगा और एक ये देगा, गुड बढ़िया सी। सो द स्ट्रक्चर विल बी, ठीक है, दो पोटेशियम लगे हैं, अब आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड का क्या स्ट्रक्चर है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ईच पोटेशियम हैज गिवन, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वन, ठीक है। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन लगा हुआ है एंड इट हैज गेन्ड टू इलेक्ट्रॉन, राइट, क्या क्या वन दे रहा बेटा, ये तो वो नहीं है स्ट्रक्चर। ओके व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स दे आर वेरी वेरी स्टेबल, they have high electrostatic forces of attraction that are operating between them that make them solids, but they are also brittle in nature, as soon as you hammer them or you try to break them wo break ho jate hain, so they are brittle also, okay, they are having high melting and boiling point, high melting and boiling point kyun hai, due to electrostatic forces of attraction that are operating between the positive and the negative ions, जो उनको क्या बनाती है, स्टेबल बनाती है, इसलिए ये इजी टूटते नहीं है, ओके, एंड दे आर हैविंग फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो, वैल्यू जो है वो वेरीज नहीं करती है, जैसे आयरन का कोई शीट ले लो तो वैसे टूट जाती है अगर हम वेट करेंगे ट्राई करेंगे, बट अगर हम उसको फ्रीज करके तो वो टूट जाएगी। हां तो मॉलिक्यूल्स फ्रीज करने पर टेंपरेचर कम हो गया ना, तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम हो जाता है, किसी भी चीज पे फ्लाई हो, किसी भी चीज पे नहीं, वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट, ओके। कहाँ थी मैं, हाँ आयनी कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल लैटिस होते हैं, NaCl का लैटिस होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, दैट दे एग्जिस्ट इन द थ्री डायमेंशनल फॉर्म वेयर ईच सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स दे आर सराउंडेड बाय द अदर सिक्स सोडियम और क्लोरीन एटम्स, जो भी मैंने यहाँ पे लैटिस बनाया था, तो लैटिस स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो हर एक सोडियम जो है वो कितने और के साथ सराउंडिंग है, क्लोरीन सिक्स क्लोरीन के साथ। आप क्यूब को इमेजिन कर सकते हो, चार फेसेस क्यूब के हो गए हैं, ठीक है, एक फ्रंट फेस और एक बैक फेस, ठीक है, कैन यू इमेजिन दिस, चार जो है वो क्यूब के हो गए हैं और एक जो है वो फ्रंट फेस और एक जो है वो बैक फेस पे प्रेजेंट होगा क्लोरीन, एक सोडियम जो है दैट इज सराउंडेड बाय द सिक्स क्लोरीन एटम्स, ओके, सो दिस इज द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। अभी क्या बनाया था, पोटेशियम ऑक्साइड ही है, इसमें के आ जाएगा, साइड पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ये नहीं समझ आया, देखो
आप नॉर्मली NaCl को एज NaCl लिखते हो, ठीक है, बट एक्चुअली इफ वी स्टडी इट्स स्ट्रक्चर, NaCl इज नॉट अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। थ्री डायमेंशन यानी कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स में हम बात करते हैं, दे फॉर्म द स्पेस कोऑर्डिनेट्स वेयर, यहां पर मैं एक यूनिट बना रही हूँ, ये यूनिट जो है ये आपने रिपीट करते जाना है साइड बाय साइड, जैसे ये एक यूनिट बनाया है इसी के साथ ये दूसरा यूनिट यहाँ पर बना, सेम यूनिट ऊपर है, सेम यूनिट नीचे है, आगे पीछे ये सारे सराउंडेड है, ठीक है। अब अगर मैं एक सोडियम की बात करूं, इफ आई टॉक्ड अबाउट वन पर्टिकुलर सोडियम एटम, तो ये कितने क्लोरीन के साथ आगे अटैच्ड है, देखो इसके साथ में फेस में होगा, इसके इधर वाले फेस में भी होगा, ऊपर फेस भी है नीचे फेस भी है, ये सारे ये दो हमने बना दिए हैं, ठीक है, चार जो है वो और प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इन दिस वे अगर आप इसको थोड़ा सा माइंड में इमेजिन करो, ये सारे ऊपर नीचे कंबाइंड है स्ट्रक्चर, तो एक सोडियम जो है इट इज सराउंडेड बाय फर्दर सिक्स क्लोरीन आयंस, ऐसे ही जो क्लोरीन है दे आर सराउंडेड बाय द सिक्स सोडियम आयंस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लैटिस अरेंजमेंट, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है ये, ओके। जैसे इसी ये देखो, ये मैंने आपको एक फेज बनवाया ना, ऐसे फेजेस होते हैं सारे, ये भी उन्होंने एक यूनिट बनाया है, ऐसे ही यूनिट्स आपने रिपीट करते जाना है ऊपर नीचे, ओके। ये फेज है देखो, ये क्यूबिकल अरेंजमेंट है, राइट। और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन विच फॉर्म, मोल्टन फॉर्म बट नॉट इन दी सॉलिड फॉर्म, मोल्टन या लिक्विड स्टेट में ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी सॉल्ट्स नाउ। सबसे पहले हाँ जी, ऐसे ही सारे सराउंडेड है, कौन से दो NaCl, आप माइंड में एक क्यूब इमेजिन करो ना, क्यूब है आपके पास, हाँ उसमें भी सारे Cl होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना ये, पहले क्लोरीन है फिर सोडियम है फिर क्लोरीन है फिर सोडियम है, ऐसे आपका क्यूब जो है वो पूरा ऑल्टरनेट पोजीशंस में है, सारा क्यूब जो है वो ऑल्टरनेट पोजीशंस में है, सोडियम के बाद फिर क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद फिर सोडियम है, सोडियम के बाद फिर क्लोरीन है, तो ऐसे जो है जहां पर सोडियम आ रहे हैं उसके आसपास सारे क्लोरीन यूनिट सराउंडेड है, कहां पर ये अभी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आप नहीं देख सकते क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट नहीं बनाया है, ठीक है। इसके नीचे अब जैसे ये देखो क्लोरीन है सोडियम है क्लोरीन है, यहाँ पर अब एक सोडियम होगा, हेयर विल बी अ सोडियम, ठीक है, हेयर विल बी अ क्लोरीन, तो हम इसकी सराउंडिंग की बात कर सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लोरीन है, जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाया ना, आप इमेजिन कर सकते हो इसको, ये यहाँ पर है, ऐसे कर लो, ठीक है, इसको इमेजिन कर लो कि वो यहाँ पर है, इस क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड है उसका, कहाँ पर, हाँ यहाँ पर एनए है, ये देख यहाँ पर एनए हो गया ना, ये एनए के साथ ये सीएल इन टच में आ गया, यहाँ पर फिर सीएल आ जाएगा, यहाँ पर फिर एनए है, तो ऑल्टरनेट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये, फिर वो सारा रिपीट करना है आपने, यही स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट करते जाना, ओके। व्हेन यू इमेजिन दैट इन थ्री डायमेंशनल फॉर्म, तो ये आपका ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, और जब ये लेयर्स में अरेंज होता है तो अपने आप सोडियम और क्लोरीन जो है वो इन कॉन्टेक्ट में होते हैं, ओके। चलिए लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड
of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? Which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged exposure of iron with steam? Fe3O4, that is actually a combination of iron 2 and iron 3 oxide. इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो क्या बनता है? तो हमने याद रखना है जब भी आयरन की रिएक्शन होगी विद स्टीम सो यू विल गेट दिस ऑक्साइड दैट इज आयरन 2-3 ऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड्स तो नहीं है कोई क्वेश्चन? Okay, you are given the electronic configuration of three elements x, y, z. X ki configuration hai 2-8. You can write down. The configuration of x is 2-8. Configuration of y is 2-8-7. And z ki configuration hai 2-8-2. 2-8-2. 2-8, 2-8-7, and 2-8-2. Which of the following is correct? You have to tell. Z is a metal. Yes. Z is a metal. Sorry, X is a metal, not Z. X is a metal. Y is a metal. Z is non-metal. Y is non-metal. And Z is metal. So the fourth option is correct. Where the Z is metal and Y is non-metal. X is not a metal. 2-8 hai. Inert gas hai. Okay. Out of this, which can undergo a chemical reaction? इसमें से किसकी chemical reaction possible है? सेकेंड और फोर्थ दोनों ट्रू हैं. देर आर नॉट टू ऑप्शंस. जो सेकंड कह रहे हैं वो सेकंड क्यों कह रहे हैं? रिएक्टिविटी सीरीज देखो. सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ. चलिए आगे बताओ. पूछा क्या इसमें? रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है? वाई फर्स्ट. हु विल रिपीट द रिएक्टिविटी सीरीज? Simarpreet, stand up.
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, लेड. ठीक है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कॉपर इज राइट.